अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अपना तारुफ आपको करवा देता हूँ। मैं मोहम्मद कामरान खान और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलाकोट में उलूम इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारा ये मादा मज़मून अल-लिसानुल अरबी, अरबी ज़ुबान व अदब है। इस मौजू के अंदर हम अरबी ज़ुबान के जो बुनियादी कवायद ज़वाबत उनसे आगे ही हासिल करेंगे और ख़ुद को इस काबिल बनाएंगे कि हम अरबी ज़बान के अंदर लिखी गई इबारत के मफहूम को समझ सकें। इसकी जितनी कलिमात की अकसाम हैं उनकी तराकीब, उनके इराब, उनको समझने की हमारे अंदर सलाहियत और इस्तेदाद पैदा हो सके। हम में से हर शख्स इस हकीकत से बाखूबी आगाह है कि अरबी ज़ुबान और अदब की अहमियत हम लोगों के लिए महज एक ज़ुबान ही की नहीं है। यकीनन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि दुनिया की पांच बड़ी ज़ुबानों में से एक बड़ी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है, जो 20 से ज़ायद ममालिक की कौमी ज़ुबान है, अक़वामे मुत्तहिदा की बड़ी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान मानी जाती है और हमारे उन ममालिक के साथ बहुत से माशी रवाबित हैं, तिजारत है, हमारी अफरादी कुवत वहाँ जाती है। इस लिहाज से हमारे लिए इसकी अहमियत भी मुसल्लमा है, लेकिन हमारे लिए इससे बढ़ के इसकी अहमियत ये है कि बहसियत मुसलमान हमारे लिए जो कानून के बुनियादी मसादिर हैं, बुनियादी माखज़ हैं, वो कुरान पाक और अहादीस नबविया हैं और इनसे मुस्तंबत शुदा फ़िक्हे इस्लामी का जो असल ज़खीरा है, जो हमारी एक तुरास और विरसा है, वो अरबी ज़बान में है। और हम अपने बेशतर कवानीन में अरबी इस्तलाहात को इस्तेमाल करते हैं, उन कवानीन से इस्तिफादा करते हैं। इसलिए एक कानून के तालिबे इल्म के लिए अरबी ज़बान और अदब की उसकी इस्तलाहात, उसके अल्फाज, उसके तराकीब को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी ज़बान को सीखने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक तरीका तो फितरी तरीका है, नेचुरल तरीका है, जो हम हर मादरी ज़बान को सीखने में इख्तियार करते हैं, और वो है सुनना। हम में से हर एक इस बात से बाखूबी आगाह है कि एक बच्चा वो 2 साल तक, 1.5 साल तक वो सिर्फ़ अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने गिरदनवा लोगों को सिर्फ सुनता है, और सुनने के साथ वो एक्सेंट भी सीख लेता है, वो लहजा भी सीख लेता है, अल्फाज को भी सीख लेता है, इस्म, फेल, हर्फ, क्या क्या चीज़ें हैं, हत्ता के मुहावरात, और इनको आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसका दर्क और इदराक हासिल कर लेता है। ये एक फितरी तरीका है जो किसी भी ज़बान को सीखने का है। दूसरा तरीका किसी अजनबी ज़ुबान को सीखने का है, और वो ये है कि जब आप ऐसे माहौल में नहीं जा सकते, उस माहौल को इख्तियार नहीं कर सकते कि जो किसी ज़बान को सीखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है, तो आपको उस ज़बान के कवायद यानी ग्रामर को सीखना पड़ता है। अरबी ज़बान के जो कवायद हैं उनको सर्फ और नहव कहा जाता है। दो बुनियादी उलूम हैं, इल्म सर्फ और इल्म नहव। इन दोनों का मजमुआ दर हकीकत अरबी ग्रामर है। इनमें से जो इल्म सर्फ है वो ज़्यादातर हमें जो मुख्तलिफ सीगे, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनके बारे में ये बताता है कि ये इसकी बुनियाद क्या थी, इसके अंदर क्या तालील हुई, क्या इसके अंदर तोड़ फोड़ हुई, किस से ये लफ्ज़ बना, इससे दूसरा लफ्ज़ कैसे बनेगा, मसलन इससे मस्तर कैसे है, इस लफ्ज़ से मफूल कैसे बनेगा, फ़ाइल कैसे बनेगा, ये उसकी मुख्तलिफ हैयात को हमारे सामने वाज़े करता है। जबकि इल्म नाव हमें मुख्तलिफ इस्म, फेल और हरूफ को आपस में मिला के जुमले कैसे बनते हैं और फिर उनका एराब क्या होगा, यानी आगे चल के आप इनकी तारीफ पढ़ेंगे कि उनके आखिर में उनके ऊपर क्या एराब जाहिर किया जाएगा, मौरब होंगे, मबनी होंगे, कैसे हम उनको पढ़ने में उनके एराब में गलती से बच सकते हैं, इस चीज़ को हमारे सामने ये इल्म वाज़े करता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम इस तरफ जाते हैं कलिमा,
उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसकी अकसाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि कलीमा किसको कहते हैं और इसकी अकसाम कौन कौन सी हैं। तो कलीमा बुनियादी तौर पर, कलीमा बुनियादी तौर पर लफ्ज़ को कहा जाता है, जो लफ्ज़ भी बामाना हो वो कलीमा कहलाता है, जो लफ्ज़ माना रखता है, जो लफ्ज़ बामाना हो उसको किसी माना के लिए वज़ा किया गया हो वो कलीमा कहलाता है। मसलन उर्दू ज़ुबान में जब हम लफ्ज़ किताब इस्तेमाल करते हैं, जब दरख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब दीवार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक ख़ास चीज़ हमारे जहन में फ़ौरन आ जाती है। दीवार एक सीधी और मज़बूत चीज़, भाई एक रिश्ता, एक इंसान जिससे ख़ास रिश्ता है, दरख्त एक ख़ास वजह हमारे। तो ये जो माना, एक शक्ल, एक सूरत हमारे जहन में आ जाती है, इसके लिए जो चीज़ वजह की जाती है, जो बनाई जाती है, वो कलीमा कहलाती है। तो कलीमा की तारीफ, वो लफ्ज़ुन वुज़िया लिमाना मुफ़रदिन, वो लफ्ज़ जिसको एक ख़ास मुफ़रद माना के लिए वज़ा किया गया हो, यानी बामाना लफ्ज़ कलीमा कहलाता है। अब इसकी आगे तीन अकसाम हैं, कलीमा की आगे तीन अकसाम हैं। पहली किस्म इस्म है, दूसरी किस्म फेल है, और तीसरी किस्म हर्फ है। इस्म, फेल, हर्फ, ये तीन अकसाम है कलीमा की। इस्म किसको कहते हैं? इस्म की जो मशहूर तारीफ है वो ये है कि किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। अरबी जुबान में इस्म की तारीफ यह है कि वो कलीमा, वो लफ्ज जो किसी माना को जाहिर करे, किसी माना को जाहिर करे लेकिन जमाने की कैद उसमें ना पाई जाए, यानी वो माना किसी जमाने के साथ मखसूस ना हो, उससे मिला हुआ ना हो। जैसे अरबी जुबान में दीवार को जिदारुन कहा जाता है, दीवार को जिदारुन कहा जाता है। अब ये जो लफ्ज़ जिदार है, इसकी जो ये जो माना का इजहार है, माना पर इसकी दलालत है, इसमें जमाने का अमल दखल या कैद नहीं है, माजी, मुस्तकबिल, हाल किसी के साथ ये माना मिला हुआ नहीं है। इसी तरीके से तिफ्लुन, बच्चा, एक बच्चे को अरबी जुबान में तिफ्ल कहा जाता है। अब तिफ्ल बच्चे को कहते हैं, जमाने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। किताबुन, कलमुन, सातुन घड़ी को कहा जाता है, मिरवाहतुन पंखे को कहा जाता है, शुबाकुन खिड़की को कहा जाता है, कुर्सीयुन कुर्सी को कहा जाता है। अब ये सारे के सारे अस्मा हैं, माना को जाहिर करते हैं लेकिन जमाने के साथ तख़सीस नहीं, जमाने की कैद नहीं है। कलीमा की जो दूसरी किस्म है वो फेल है। फेल वो लफ्ज़ है, फेल वो कलीमा है कि जो माना को जाहिर करता है लेकिन उसमें जमाने की कैद पाई जाती है। वो माना तीनों जमानों में से किसी जमाने से मिला हुआ होता है, बगैर जमाने की कैद के नहीं होता। जैसे अरबी जबान में, उर्दू में भी इसी तरह है। मसलन वो पढ़ा करता था, वो पढ़ेगा, पढ़ा करता था माजी है, पढ़ता है हाल है, पढ़ेगा मुस्तकबिल है। उसने खाना खाया माजी है, वो खाना खाता है हाल है, खाना खाएगा मुस्तकबिल है। इसी तरह अरबी जबान में अगर हम फेल को इस्तेमाल करेंगे
ये आएगा तो उसमें जमाने की कैद उस माना में मलहूज होगी। जैसे मैं कहूं कताबा, उसने लिखा, ये लिखने के माना को जाहिर कर रहा है और यह बता रहा है कि किसी एक शख्स ने जमाना माजी में लिखा, इसको फेल माजी कहते हैं। और यख्तुबू, अगर इसी से मैं लिखूंगा तो यह फेल है मजारे। याद रखें बाकी जबानों में, बाकी लैंग्वेजेस, बाकी जबानों में जमानों के इजहार के लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन हैं। अरबी जबान में या तो माजी का सीगा होगा या मुजारे का सीगा होगा। फेल माजी और मुजारे, माजी गुज़श्ता जमाने को जाहिर करता है, फेल मुजारे जमाना हाल और इस्तकबाल यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों के इजहार के लिए फेल मुजारे आता है। यक्तबू का माना वो लिखता है, लिखेगा, दोनों माना इसमें पाए जाते हैं। इंशाल्लाह आगे फेल की जब बहस आएगी मुस्तकिल उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर हाल से खालिस हाल के साथ तख़सीस माना की मकसूद हो तो कान से अल्फाज इस्तेमाल कर दिए किए जा सकते हैं। अगर सिर्फ मुस्तकबिल का माना मकसूद हो और हम ये चाहें कि ये जो सीगा है, ये लफ्ज़ है, ये हाल के ऊपर दलालत न करे, सिर्फ मुस्तकबिल को जाहिर करे, तो कान कान से अदवात, कान कान से हरूफ इसके शुरू में लाए जाते हैं जिससे तख़सीस। लेकिन जनरली आम तौर पर या माजी का सीगा होगा और या मजारे का, और माजे में फेल मजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पाया जाएगा, हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पाया जाएगा। अब कतबा यख्तुबु, नसरत, उस औरत ने मदद की, और तनसुरु, वो औरत मदद करेगी। यजलिसु, वो बैठता है या बैठेगा, और तजलिसु, वो औरत बैठती है या बैठेगी। देखें इसमें एक जमाने की कैद मौजूद है। इसी तरह फेल अम्र है जिसमें मुखातब से कोई फेल तलब किया जाता है, किसी काम का हुक्म दिया जाता है, जैसे इकरा पढ़, इजलिस बैठ जा, उनसुर मदद कर, तो इसमें भी जमाना हाल पाया जाता है। फेल नहीं के अंदर ला तजहब तू ना जा, ला तनसुर तू मदद ना कर, ला तकतुब तू ना लिख, तो इसमें भी एक जमाना पाया जाता है, वो हाल के साथ ही फेल अम्र और नहीं भी खास होते हैं। तो इस और फेल दोनों मुस्तकिल माना रखते हैं, लेकिन इस्म जो कलिमा होगा वो मुस्तकिल माना रखने के बावजूद जमाने के साथ खास नहीं होगा, फेल मुस्तकिल माना रखेगा, जमाने से खास होगा। दो, तीसरी चीज, तीसरी किस्म कलिमा की वो हर्फ है। कलिमा की तीसरी किस्म हर्फ है। हर्फ लफ्सी तौर पर लघवी माना हर्फ का किनारा होता है, तो ये चूंकि इन दोनों वो मुस्तकिल हैसियत रखते हैं और ये एक किनारे पे रह जाता है, इसलिए हर्फ की भी मुख्तलिफ तारीफें की जाती हैं। हर्फ वो कलिमा होता है जो दूसरे कलिमात यानी इस्म या फेल के साथ मिले बगैर अपने माना को जाहिर नहीं कर सकता, उर्दू में भी नहीं जाहिर करता। वो कलिमा जो इस्म या फेल को मिलाता है, या यूं कहें कि वो अपने माना के इजहार के लिए इस्म और फेल का मोहताज होता है, जब तक उनके साथ न मिले अपना माना जाहिर नहीं कर सकता। जैसे उर्दू में अल्फाज हैं से, के, तक। अब वैसे से कहते रहें तो इसका कोई माना समझ नहीं आता, तक कहते रहें तो माना समझ नहीं आता, लेकिन अगर जब इनको हम इस्म से और हर फेल से मिलाएंगे तो माना वाजे हो जाएगा। जैसे मैं कहूं मैंने रावला कोट से लाहौर तक का सफर किया, तो से इब्तदा का माना देता है और तक इंतहा निहायत का माना देता है। इब्तदा और इंतहा का माना इसने इस्म और फेल के साथ मिलकर दिया। अब यही जुमला मैं अरबी जुबान में लिखूंगा। देखें मैं कहूं साफर तू, मैंने सफर किया, साफर तू,
या सिर तू मैं चला, मिन रावलाकोत इला लाहौर, ये मिन हर्फ है इला लाहौर, लाहौर तक, तो इला भी हर्फ है। अब इसने इब्तदा का और इसने इंतहा का माना दिया इनसे मिलने के बाद, तो हर्फ वो कलिमा है कि जो दूसरे कलिमात से मिले बगैर अपना माना जाहिर नहीं कर सकता। हर्फ की आगे बहुत सी अकसाम होती हैं, हरूफ जारा हैं, जाजमा हैं वगैरह वगैरह, कुछ असमा के साथ खास होते हैं, कुछ अफाल के साथ, कुछ दोनों के साथ मिलते हैं, इसकी आगे पूरी तफसील है। तो अभी तक के सब का खुलासा यह है कि कलिमा की तीन अकसाम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इन तीनों अकसाम में जो सबसे अहम किस्म जो दोनों से बुलंद समझी जाती है वो इस्म है, और इस्म का जो लफ्जी मतलब भी है वो बुलंदी होता है, लफ्जी माना भी इस्म का बुलंद होना है। अब हम यहाँ पर अपने ज़खीरा अल्फाज में इजाफा के लिए, वोकैबुलरी के लिए कुछ अल्फाज जो बहुत ही आसान हैं, रोज़मर्रा हमारी ज़बानों में राइज हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ फिर हम बिल्कुल सादा सा जुमला बनाने की एक कोशिश करते हैं। ये जो मेरे हाथ में कलम है इसको अरबी ज़ुबान में भी कलम ही कहा जाता है, कलमुन, कलम लिए जो लिखने की का आला है इसको कलम कहा जाता है, कलमुन, कलम। किताबुन, किताब, किताबुन, किताब। जहां पर हम जिस इमारत में खड़े हैं, एक स्कूल में खड़े हैं, स्कूल को अरबी जुबान में मदरसा कहा जाता है, मदरसतुन, मदरसतुन, स्कूल। जिस दरवाजे से मैं दाखिल हुआ हूं, उर्दू में भी यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, किताबों में आपने आम लिखा होगा बाब, बाबुन, दरवाजा, बाबुन, दरवाजा। बाबुन, दरवाजा। खिड़की को नाफिजातुन कहा जाता है, लेकिन नाफिजा उस खिड़की को कहा जा सकता है जिसमें से आर पार गुजर सकें, जिससे गुजरा जा सके, जो गुजरने के लिए इस्तेमाल हो सके। जो रोशनदान है जो सिर्फ हवाज के गुजर के लिए इस्तेमाल होता है उसको शुब्बाकुन कहा जाता है। तो नाफिजातुन खिड़की, ये जिस तख्ताए तहरीर पर मैं लिख रहा हूँ, जिसके लिए पहले राज इस्तला तख्ताए सया की होती थी, इसको सबूरतुन कहा जाता है, इसको सबूरतुन कहा जाता है। तख्ताए तहरीर, तख्ताए सया, ये कागज़ है जिस पर हम लिखते हैं, इसको हमारी लोकल जो पहाड़ी जुबान है उसमें भी वरका कहा जाता है, अरबी जुबान में भी इसको वराकातुन कहते हैं, रा के ऊपर सिर्फ जबर आती है, फतह आता है, वराकातुन, वराका। झंडा है, इसके लिए भी आम लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, अलम, अलम उठा के चलना, तो अलमुन झंडे को कहा जाता है, अलमुन झंडा, अलमुन झंडा। अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया कि रोशनदान को शुब्बाकुन कहा जाता है, रोशनदान को शुब्बाकुन कहा जाता है। मैं आपके सामने ये जितने अल्फाज हैं इनको दोबारा
अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपके सामने इनके माना वाज़े हो जाए। कलम उन कलम, किताब उन किताब, मदरसतुन मदरसा स्कूल, सातुन घड़ी, याद रखें ये जो सा है ये जो बांधने वाली घड़ी है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है और जिसको हम घड़ी कहते हैं वक्त की घड़ी गुजरते हुए वक्त को उसको भी सा कहा जाता है, खास इस घड़ी उस घड़ी जिसको कहा जाता है, इसके लिए ये दोनों माना ये सा अरबी जबान में देती है। बाबुन दरवाजा, नाफिजतुन खिड़की, नाफिजतुन खिड़की, वरकतुन कागज, आलामुन झंडा, आलामुन झंडा, हदीकतुन बाग, ये हदीका हमारे यहाँ नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हदीका ये बाग को कहा जाता है, हदाइक इसकी जमा आती है, और शुबाकुन रोशनदान खिड़की, अच्छा यहाँ पर आपके सामने जो अस्मा और उनके मानी लिखे गए हैं इनमें आप एक चीज़ ज़रा गौर से मुलाहजा करें, ये जितने नाम लिखे हैं और इसके मुकाबले में वो जो नाम लिखे गए हैं इन दोनों में एक इन दोनों मजमुओं में इन नामों के मजमुओं में और इस मजमुआ में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि इन तमाम अस्मा में इन तमाम अस्मा में आखिर में गोल ता है, इन सब के आखिर में गोल ता है, जबकि इन अस्मा के आखिर में गोल ता नहीं है, इनके आखिर में गोल ता नहीं है। तो याद रखें अरबी जुबान में जिन नामों के आखिर में बिलउमूम कुछ चंद अस्मा इससे खारिज हैं, वरना ज्यादातर जिन अस्मा के आखिर में गोल ता आती है वो अस्मा मुअन्नस होते हैं, वो मुअन्नस चीजों के नाम हैं, ये गोल ता इस्म के मुअन्नस होने की अलामत है, ये मुअन्नस अस्मा हैं, ये सारे के सारे मुज़क्कर अस्मा हैं, और यही गोल ता जब हम उर्दू में लेके आते हैं तो ये हा के साथ
तब्दील हो जाती है। आपने ज़्यादातर बच्चियों के नाम, जो हम अपनी बेटियों के बच्चियों के नाम रखते हैं, उनको देखा होगा कि आखिर में हे होती है, जैसे फजीला, ये असल में फजीला तुन था, इसी तरह फाइज़ा फाइज़ा तुन था, नासिरा नासिरा तुन था। तो उर्दू में यही ता हा के अंदर तब्दील हो जाती है। आयशा खदीजा हफ्सा, ये सारी अगर आप अरबी की कुतुब उठा के देखेंगे तो ये इनके आखिर में गोल ता होती है और उसके ऊपर नुक्ते भी लिखे हुए होते हैं। ये मुअन्नस होने के, किसी इस्म के मुअन्नस होने की अलामत है। ये मुज़क्कर अस्मा है, ये मुअन्नस अस्मा है। मदरसतुन सातुन नाफिदतुन वरकतुन हदीकतुन, हदीका वरका नाफिदा सा मदरसा, ये मुअन्नस और वो कलमुन किताबुन बाबुन अलमुन शुब्बाकुन, मुज़क्कर अस्मा है। अब जब हम इन चीज़ों के साथ जुमला बनाएंगे तो उस वक्त भी हमें इनके शुरू में फेल लाते वक्त भी इसका ख्याल करना पड़ेगा कि मुअन्नस के लिए मुअन्नस अस्मा, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर अस्मा। और अगर इनके शुरू में इसमें इशारा, आप जानते हैं कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो इस्म इस्तेमाल होता है इसमें इशारा कहलाता है। अब मुअन्नस अस्मा होंगे तो मुअन्नस इसमें इशारा आएगा, और अगर मुज़क्कर अस्मा होंगे तो मुज़क्कर आएगा। अब जो इशारा करने के लिए अस्मा है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर मुज़क्कर है, वाहिद है, ये देखें सारे तस्निया नहीं हैं, दो नहीं हैं, जमा नहीं, वाहिद हैं, तो मुज़क्कर चीज़ हो, एक हो, तो उसकी तरफ इशारा करना हो बशर्ते करीब हो तो हाज़ा, और अगर मुअन्नस करीब हो तो हाज़ ही। करीब चीज है और मुज़क्कर है, उसकी तरफ इशारा करना है तो हाज़ा इस्तेमाल होता है, हाज़ा। और अगर करीब चीज है और मुअन्नस है तो हाज़ ही, हाज़ ही। भाई थोड़ी दूर चीज है और मुज़क्कर है तो ज़ालिका, और मुअन्नस है, दूर है, बाईद है, तो मुअन्नस हो तो तिलका, तिलका। हाज़ा हाज़िही, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका। किसी चीज का जवाब जब हम हाँ में देना चाहें, हाँ में देना चाहें, जी हाँ, उसके लिए अरबी जुबान में नाम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नाम। और अगर मनफी जवाब देना चाहें तो ला इस्तेमाल होता है, नाम ला, नाम ला। पूछने के लिए जो अस्मा इस्तेमाल होते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जिनको इस्तफामिया कहा जाता है, मा है और हल है। वैसे तो मा और हल दोनों का माना क्या है, लेकिन इनमें एक फर्क है। माँ से किसी चीज के बारे में सवाल तब किया जाता है कि जब आपको उसकी हकीकत का ही इदराक न हो, आप सरे से नहीं जानते कि यह क्या चीज है। मसलन मेरे हाथ में यह कलम है, पूछने वाले को सरे से इदराक नहीं है कि यह क्या चीज है, तो वो पूछेगा कि माज़ा फी यदिका, आपके हाथ में क्या है,
तो जवाब यूं दिया जाएगा कि हाजा कलमुन, ये कलम है। जबकि हल से सवाल तब किया जाता है कि जब पूछने वाले के जेन में इबहाम होता है, यानी वो जानता होता है या उसके जेन में ख्याल होता है कि ये फलां चीज हो सकती है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता, तहक्कुक नहीं होता, सबूत नहीं होता कि ये वही चीज है। मसलन किसी से पूछा जाए कि हल अंता तालिबुन, क्या तू तालबे इल्म है, तो ये तब पूछा जाता है जब शक हो, एक इबहाम हो, एक जन हो कि ये तालबे इल्म हो सकता है। अब वो आगे से जवाब देगा नाम, जी हां, या वो कहेगा ला मा अना तालिबुन, मैं तालबे इल्म नहीं हूं। तो मा से तब पूछा जाता है जब किसी चीज की हैयत, किसी चीज की आप हैयत के बारे में, असल के बारे में सवाल करें, और हल से तब पूछा जाता है कि जब आप इबहाम को, जो गुमान है उसको दूर करने या उसको यकीन में तब्दील करने के लिए सवाल करें। इसलिए हल का जवाब नाम और ला के साथ दिया जाता है, नाम और ला के साथ हल का जवाब दिया जाता है, जबकि मां का जवाब नाम और ला के साथ नहीं दिया जा सकता। मां का जवाब, मां से जब किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना पड़ता है कि ये फलां चीज है ये, जबकि हल का जवाब नाम और ला के साथ दिया जाता है। एक और चीज जो अरबी जुबान में इस्तेमाल होती है किसी चीज को की नफी के लिए ला की तरह ही है, वो है लैसा। ला नहीं और लैसा भी नहीं, लेकिन ये नॉट, नो और नॉट, इनमें ये फर्क है। लैसा नॉट, और जब किसी चीज की तर्दीद करके असल बात बयान की जाती है तो अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है बल, वो है बल, बल्कि, जिसको हम कहते हैं बल्कि। ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो आज के सबक से मुतल्लिक थी, पहले सबक से मुतल्लिक थी। तो आपके सामने अस्मा का जिक्र किया गया, फेल की तारीफ और उसकी जो दो अकसाम हैं, अहम अकसाम हैं, वो आपके सामने बयान की गई। हर्फ की तारीफ की गई, कुछ अस्मा और उनके मानी आपको बताए गए, मुज़क्किर अस्मा और मुअन्नस अस्मा आपके सामने उनके मजमू अलग किए गए। फिर आपको ये बताया गया है कि मुज़क्किर चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो मुज़क्किर इसमें इशारा इस्तेमाल होगा, करीब हो तो हाजा, दूर हो मुज़क्किर चीज़ तो ज़ालिका, और मुअन्नस चीज़ करीब हो तो हाजी ही और दूर हो तो तिलका। ला का मतलब नहीं, नाम का मतलब जी हाँ, हल भी सवाल के लिए आता है, माँ भी सवाल के लिए आता है, बल किसी चीज़ की तर्दीद के बाद, बल्कि ये फलां चीज़ है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बहुत ही सादा जुमले, कुछ जुमले इनके इस्तेमाल से बनाएंगे। मसलन ये कलम है, ये कलम है, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, वो खिड़की है। अब वो इसमें इशारा दूर के लिए है, नाफिजतन मुअन्नस है, तो तिल का नाफिजतन, तिल का नाफिजतन, वो दरवाजा है। अब वो दरवाजा है, दूर है, तो कहूंगा जालिका बाबुन, जालिका बाबुन, ये कागज है। अब कागज मुअन्नस है, करीब है, तो कहूंगा हाजिही वरकतुन, हाजिही वरकतुन, वो बागीचा है, वो बागीचा है, दूर है, कहूंगा तिलका हदीकतुन, तिलका हदीकतुन। झंडा बाहर लहरा रहा है, दूर है, तो कहूंगा जालिका आलमुन, जालिका आलमुन। अब जब सवाल किया जाता है तो सवाल भी यूं होगा, ये मेरे हाथ में कागज है, आप पूछ सकते हैं मा हाजिही, मा तिलका, मा तिलका, वो क्या है, ये मुअन्नस चीज के बारे में। तो मैं जवाब में यूं कहूंगा हाजिही वरकतुन, आप चूंकि दूर हैं
दूर से होके पूछ रहे हैं मा तिलका। कुरान पाक की एक आयत है ना, वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, अय मूसा आपके हाथ में क्या है। देखें तिलका से सवाल किया गया, मा तिल, तो मा हाजही से भी एक जगह सवाल है, मा हाजही तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या मूर्तियां जिनके आगे तुम झुके हुए होते हो। हजरत इब्राहिम ने सवाल किया था। तो अब ये देखें, इससे जवाब दिया जाता है, ये यानी माँ से सवाल है, आपको उस चीज़ का नाम देना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, माहियत बतानी पड़ेगी, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा जो माना पूछने वाले के जहन में लेके आए। लेकिन अगर पूछने वाला हल से सवाल करे तो आप नाम या ला से जवाब देंगे। मसलन पूछने वाला पूछता है हल फी यदी का, क्या आपके हाथ में कलम उन कलम है, तो मैं नाम कह सकता हूँ या ला कह सकता हूँ। अगर है तो कहूँगा नाम, फी यदि कलम, जी हाँ मेरे हाथ में कलम है। अगर नहीं है तो मैं कहूँगा ला, लई सफ़ी यदि कलम बल हादी ही मिन शफतुन, नहीं मेरे हाथ में वो नहीं कलम नहीं बल्कि ये मिटाने वाला है, मिम सहा है। इंशाल्लाह आगे हम अगले सबक में ऐसे जुमले बनाएंगे जिनसे इन अस्मा की, अस्मा इशारा की हल मा जो इस्तफाम के लिए इस्तेमाल होते हैं इनकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस होगी दूर नज़दीक। क्योंकि याद रखिए ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अरबी ज़बान और अदब में बल्कि किसी भी ज़बान में, उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं सुनने से ये चीज़ कोई भी ज़बान नहीं सीखी जा सकती, उसके कवायद को असबर नहीं किया जा सकता। 10% आप सुनने से सीखते हैं और 90% आपको बार बार उसको उसकी मश्क करना पड़ती है, उसकी तमरीन और तदरीब को इख्तियार करना पड़ता है। जितना आप जिस तरह रियाजी के सवालात को 10% उस्ताद आपको ज़ेन नशीन करवा सकता है और बाकी सब एक्सरसाइज और मेहनत के ऊपर मौकूफ़ होता है, बेआईनी ही नहीं। इसी तरह किसी भी ज़बान के कवायद को सीखने के लिए और उसमें दस्तरस हासिल करने के लिए आपको उस पर 90% खुद मेहनत करना होगी, उन कवायद के इजरा और इतलाक को इख्तियार करना होगा। इसीलिए हम अगले असबाक में इनके इजरा और इनके इतलाक के हवाले से भी आपको बताएंगे और आप अपने तौर पर भी इसकी पूरी मेहनत करें, इसकी मशक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।